Hello guys, I'm Rituraj. Today I'm going to talk about a deep relationship with someone. Guys, if I will ask you who is the best in your life, so definitely you people will give answer your parents, your mummy, papa. Yeah, you can say sister, brother. Yeah, definitely. Maybe you can say girlfriend or boyfriend. पर क्या आप अपनी हर प्रॉब्लम हर सीक्रेट उनसे शेयर करते हो या कर सकते हो? इफ नॉट तो प्लीज थिंक अबाउट इट बिकॉज यू डोंट नो बट इट्स फैक्ट. यू आर अलोन. फॉर एग्जाम्पल, जब आप कभी बहुत ही सैड होते हो या अपसेट होते हो तो आप अकेला रहना चाहते हो, आप अकेला रहना पसंद करते हो. ये वही समय है जब एक आपको किसी एक ऐसे साथ की जरूरत होती है जिससे आप अपनी कुछ बातें शेयर कर सको. दिस इज द टाइम, मीन्स दिस इज अ वेरी सेंटिमेंट टाइम, यू कैन से इमोशनल टाइम. इन दैट पीरियड यू कैन नॉट शेयर, दैट मोमेंट यू कैन नॉट शेयर विद योर पेरेंट्स, यू कैन नॉट शेयर विद योर फ्रेंड्स, यू कैन नॉट शेयर विद योर ब्रदर सिस्टर. गाइज, वो साथ जरूरी नहीं कि उन बेस्ट लोगों की तरह बेस्ट ही हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो लाइफ में, लेकिन इट्स फैक्ट दे दिस टाइप ऑफ पर्सन नॉट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ मे बी, बट दे आर दे कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ. वो जिंदगी में इम्पॉर्टेंट नहीं होते लेकिन जिंदगी के लिए डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट होते हैं. गाइज, ये मैं इन इस पर्सनालिटी इस तरह के लोगों के लिए इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि डेफिनेटली अगर आप अपनी बातें शेयर करते हो किसी से तो वो आपके लिए लाइफ में इम्पॉर्टेंट भले ना हो लेकिन डेफिनेटली वो कुछ ज्ञानवर्धक बातें करने वाला होगा या बुद्धिमान होगा. तो वो मोमेंट आपको शायद वो कुछ ऐसी बातें बता दें जहाँ से आप मूव ऑन कर जाओ. बिकॉज ये मोमेंट ऐसे होते हैं 90% इवन 100% हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ जाता है. हम नेगेटिव चीज़ों को अब्जॉर्ब करते जाते हैं. ये पर्सन हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए हमारी लाइफ को मूव ऑन कर सकते हैं. गाइज, दिस काइंड ऑफ पर्सन इफ हैव इन योर लाइफ यू आर अ रिच, इफ नॉट डेफिनेटली प्लीज थिंक अबाउट इट. थैंक यू.